आतंकवादी को पांठि और अन्यान्य सहायता जोगाइबा अभियोगरे जातीय तदंतकारी संस्था गुरुवार 11 राज्य में चढ़ाऊ करिछि। एही चढ़ाऊ बेले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 106 जन कर्मी को गिरफ्त करा जायछि। देशव्यापी होइतबा एही चढ़ाऊ रे एनआईए सह पर्वतन निर्देशालय बा ईडी एवं संप्रक्त राज्य पुलिस सामिल होइथिले। यहाँ देशर आद्यविधि होइतबा सबुठ बड़ चढ़ाऊ बोली कहा जाउछि। चढ़ाऊ बेले केरलरु सर्वाधिक 22 जन को गिरफ्त करा जायथिबा बेले महाराष्ट्र एवं कर्णाटकरु 20 जन लेखाएं, तमिलनाडु 10 जन, आसामु 9 जन, उत्तर प्रदेश 8 जन, आंध्र प्रदेश 5 जन, मध्यप्रदेश 4, पुडुचेरी और दिल्ली 3 जन लेखाएं और राजस्थान 2 जन पीएफआई सदस्य गिरफ्त होती। मुख्यतः आतंकवादी को पांठि जगैवा, तालीम शिविर आयोजन करने और निर्दिष्ट संगठन में जोग देवा लगे लोकों कठोरपंथी कराइवा कार्य संप्रक्त लोकों घर उपर चढ़ाऊ कर भारत में अवहलित वर्ग को सशक्तिकरण करने लक्ष्य नुआ सामाजिक आंदोलन पर 2006 पीएफआई गठित होता संगठन पक्षर् तेब संगठन कठोरपति इस्लाम को प्रोत्साहित कर आईन प्रवर्तनकारी संस्थागुड़िक अभोग कर पीएफआई जातीय आंतर्जातिक तथा स्थानीय नेता घर चढ़ाऊ कर संगठन पक्षर् जारी बृत्ति में कह 2020 दिल्ली दंगा नागरिकत्व संशोधन आईन विरोध युपुर हाथरस दलित मानू गणबलात्कार और हत्या पक्षर षड्यंत्र आदि सह पीएफआई आर्थिक संप्रक्ति दिग उपरे ईडी तदंत करुछि। संगठन विरोध में लखनऊ स्वतंत्र पीएमएलए कोर्टे 2 चार्जसीट दायर होती। गत वर्ष फेब्रुआरी पीएफआई एवं यार छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया विरोध में मनी लॉन्ड्रिंग मामलें ईडी प्रथम चार्जसीट दाखल करता। सेपरी यूएर एक होटल पीएफआई पर मनी लॉन्ड्रिंग कार्य करुवा अभियोग द्वितीय चार्जसीट चलित बर्ष दायर होता। ब्यूरो रिपोर्ट, निर्भय सूचना। अधिक अपडेट पाई आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलु। निर्भय सूचना, निर्भय सब आपण।